हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लादेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 इयर्स एंड मेंटो मोर देन 80,000 एक्सपीरियंस सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हो सके। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर किए जाएंगे। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डिफरेंट मंथ के प्लान हैं यहाँ पे अवेलेबल, उसमें से कोई भी मंथ को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। हमेशा मैं यही बच्चों को गाइड करता हूँ कि 12 या 24 मंथ के प्लान करें, क्योंकि पहला रिक्वायरमेंट जो होता है वो 1 से 1.5 साल का बच्चे को प्रोफेशनल करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल डिसीजन होगा 12 या 24 मंथ होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको पीडीएफ कंटेंट भी मिल जाता है। और क्या है, अगर आपने बैंक का परचेज किया या एसएससी का जो भी प्लान में परचेज करते हैं तो आपको बैंक का पूरा जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अवेलेबल उन सभी के क्लास को आप एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खूबी है यहाँ पे। ये नहीं कि एक ही टीचर से, मैथ का अगर 10 टीचर, 10 के 10 टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। और क्या फ़ायदा है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमने इन सब का क्लास लिया तो एक और फ़ायदा बन जाता हमारे लिए। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे हर साल आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो कुछ ना कुछ चेंज लेवल हाई होते जाता है। लेवल जितना बड़ा हाई होगा तो उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो सारे टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं। प्लस एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, तो ये सब भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप ये प्लान लें तो इस रेफरेंस कोड को जरूर यूज़ करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट होगा। आप किसी भी मंथ के प्लान के साथ इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये नहीं कि सिर्फ इसी कोड को, जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के कोड को यूज़ करेंगे किसी का भी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता ही है। तो 12 मंथ का कोर्स है 6,000 फी है, तो 5,400 अवेलेबल हो जाएगा। 7,200 का कोर्स 6,480 में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब सारा फ़ायदा है, ठीक है। अगर 6, 12 या 24 मंथ के प्लान को आप लेते हैं उसको नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये भी एक फायदा है। तो चलिए स्टैटिक एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डू इज वन ऑफ द वेल नोन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पहला है गोवा, सेकंड है गुजरात, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ है असम। तो फर्स्ट का गुजरात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। फर्स्ट काली नदी, सेकंड है कृष्णा, थर्ड है ताप्ती एंड फोर्थ है कावेरी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड का फोर्थ, कावेरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज द तुलिहल एयरपोर्ट लोकेटेड। फर्स्ट मणिपुर, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड सिक्किम एंड फोर्थ कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर तुलिहल एयरपोर्ट पूछ रहा है कहाँ पे है, मणिपुर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सिलीगुड़ी में कौन सा एयरपोर्ट है, सिलीगुड़ी भी वहीं वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सिक्किम में जैसे कौन सा है, पाक योंग एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज विच स्टेट। फर्स्ट हरियाणा, सेकंड राजस्थान, थर्ड बिहार एंड फोर्थ झारखंड। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ का फोर्थ, झारखंड। तो यहाँ पे पलामू भी है, पालकोट भी है, पारसनाथ भी है, प्लस हजारीबाग भी है। तो ये सारे फेमस हैं जो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार में कौन कौन से हैं फेमस, तो कैमूर, पंत, वाल्मीकि नेशनल पार्क, गौतम बुद्धा नेशनल पार्क, ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट। फर्स्ट नीदरलैंड, सेकंड फ्रांस, थर्ड इटली एंड फोर्थ है ब्राजील। तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फर्स्ट नीदरलैंड। यहाँ पे और कौन सा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ईडब्ल्यू, ये भी यहीं पे है। तो इन दोनों का भी हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा, हेग नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वेयर इज द जिंदल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड। फर्स्ट गुजरात, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ केरला। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो जाएगा थर्ड, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर सेवन, PV सिंधु बिलोंग्स टू विच स्टेट। फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड कर्नाटका,
थर्ड है तमिलनाडु एंड फोर्थ है केरला। तो आंसर हो जाएगा सेवेंथ का पहला आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। फर्स्ट गांधी सेतु, सेकंड पम्बान ब्रिज, थर्ड है चिनाब ब्रिज एंड फोर्थ है, ये तो खतरनाक ही हो गया, तो आंसर हो जाएगा आठ का सेवेंथ, थर्ड चिनाब ब्रिज। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, बी साई प्रणीत एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स। फर्स्ट बैडमिंटन, सेकंड क्रिकेट, थर्ड है पोलो एंड फोर्थ है हॉकी, तो आंसर हो जाएगा नाइन्थ का फर्स्ट बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, रतन महल स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है गुजरात, थर्ड है केरला एंड फोर्थ है राजस्थान, तो टेंथ का हो जाएगा सेकंड गुजरात। ठीक है, गुजरात में और कौन सा है, गिर फॉरेस्ट, फिर है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, फिर थोल लेक है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है धूम खल, खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है सुलपनेश्वर, सुलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा, और जब भी आप अनअकैडमी से कोई प्लान परचेज करते हैं, चाहे बैंक हो, SSC हो, UPSC, तो इस कोड को यूज़ कर लीजिएगा, इस पर आपको 10% का, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन भी मिल जाएगा, और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएंगे। आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके अपने सजेशन बता सकते हैं।